हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी क्वीन आरजी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 अबेंडेंट घोस्ट शिप्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 5 सबसे भूतिया जहाज के बारे में। मानव इतिहास में समुद्री सफ़र और उनसे जुड़े विवादों का नाता बहुत पुराना रहा है। समुद्र में हमेशा ही ऐसी घटनाएँ होती रही हैं जिनका पता इंसान कभी नहीं लगा पाया है। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ही हॉन्टेड शिप्स के बारे में बताऊँगी जो रहस्यमय रूप से समुद्र में गायब हो गई, लेकिन समय समय पर इन हॉन्टेड शिप्स को समुद्र में देखे जाने का दावा होता रहा है। भूतिया जहाज़ों की कई किस्में हैं जो समुद्र की तरफ खींचते हैं। वो भूतिया जहाज जो डूबने के बाद दिखाई देते हैं, और ऐसे जहाज जिनके चालक दल रहस्यमय रूप से गायब हो गए। नंबर 1, एडमंड फिट्ज़गेराल्ड घोस्ट शिप। फेमस एडमंड फिट्ज़गेराल्ड, जो 10 नवंबर 1975 को लेक सुपीरियर में अपने चालक के सभी 29 सदस्यों के साथ डूब गया था, पर 10 साल के बाद एक वाणिज्यिक पोत के द्वारा उसे देखा गया था। 1988 में एक लेक सुपीरियर की गहराई की खोज करने वाला एक गोताखोर मलबे के अंदर गए। पुराने मलबे के अंदर तैरते हुए उन्होंने देखा कि उस जहाज के अंदर एक व्यक्ति चारपाई पर लेटा हुआ था, जिसने उनकी तरफ मुड़ कर देखा और वो डर के मारे घड़बड़ा कर जल्दी से उस जहाज के मलबे से बाहर आ गया। नंबर 2, आयरन माउंटेन शिप। यह समझ में आता है कि एक जहाज विशाल गहरे और अस्थिर महासागरों में खो सकता है, लेकिन एक नदी में एक निशान के बिना एक जहाज पूरी तरह से कैसे गायब हो सकता है। जून 1872 में आयरन माउंटेन ने विकसबर्ग मिसिसिपी से कपास और बैरल रिग के साथ रवाना हुआ। पीटर्सबर्ग के अंतिम गंतव्य की ओर मिसिसिपी नदी की ओर बढ़ रहा था। उस दिन एक और स्टीमर आयरो क्यूरिस के प्रमुख ने जहाज को स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाया। आयरो क्यूरिस चीफ ने चालक दल के आने का इंतजार किया, लेकिन यह कभी नहीं हुआ। आयरन माउंटेन और न ही उनके चालक दल के किसी भी सदस्य को कभी दोबारा देखा गया। जहाज का मलबा या उनके माल के किसी भी टुकड़े को कभी नहीं देखा गया। किनारे पर तैरता हुआ भी वह जहाज नहीं पाया गया, बस वह रहस्यमय रूप से गायब हो गया। नंबर 3, वाटर टाउनशिप। जेम्स कटर्नी और माइकल मिहान वाटर टाउनशिप के चालक दल के सदस्य थे। वो टेल टैंकर की सफाई कर रहे थे, क्योंकि यह दिसंबर 1924 में न्यूयॉर्क शहर से पनामा शहर की ओर रवाना हुआ था। एक अजीब दुर्घटना के माध्यम से उन दोनों लोगों की गैस के धुएं से मौत हो गई। जैसा कि उस टाइम का रिवाज था, उन दोनों को समुद्र में ही दफनाया गया। अगले दिन और उसके कई दिनों तक नाविकों के प्रेत समान चेहरे जैसे जहाज के पीछे दिखाई दे रहे थे। जहाज के कप्तान कीथ ट्रेसी ने अपने सिटी सर्विस कंपनी को अपने घटनाओं की सूचना दी, तो उन्होंने सुझाव दिया कि वो उस भयावह चेहरों की तस्वीर लेने की कोशिश करें जो उन्होंने तस्वीरों के माध्यम से किया, जो आप एक फ़ोटो अपने वीडियो में अभी देख सकते हैं। नंबर 4, द क्वींस मैरी शिप। सभी हॉन्टेड क्रूज जहाज़ों में सबसे प्रसिद्ध क्वींस मैरी जहाज है। ये अब एक होटल और पर्यटक के आकर्षक का केंद्र है, और साथ ही कई भूतों के लिए भी जाना जाता है। इस जहाज पर 17 वर्षीय जॉन पेडर की आत्मा है। 1966 में एक रूटीन ड्रिल के दौरान एक पानी के दरवाजे से कुचलकर इनकी मृत्यु हो गई थी। इस दरवाजे के चारों ओर अस्पष्टीकृत खटखटाने की आवाज़ सुनी जाती है। सामने डेस्क के पास एक रहस्यमय महिला को देखा जाता है। आमतौर पर वह एक स्तंभ के पीछे गायब हो जाती है और फिर नहीं प्रकट होती। एक अन्य भूत जो नीले भूरे रंग के कपड़े पहने हुए, जिसे इंजन कच की सॉफ्ट गली में देखा जाता है। जहाज के स्विमिंग पूल से भूतिया आवाज़ें और हंसी की आवाज़ें सुनाई देती है। एक कर्मचारी ने पूल डेक पर एक बच्चे की गीले पैरों के निशान देखे, और वहां पर जबकि कोई भी मौजूद नहीं था। नंबर 5, अमेजन द कॉस्ट शिप। कुछ जहाज सिर्फ अपशगुन से स्थापित हो जाते हैं। ऐसा ही 1861 में सस्पेंसर द्वीप नोमा स्कोटिया में नामांकित किया गया था, और जहाज की कमान लेने के 48 घंटे बाद इनके चालक की रहस्यमय रूप से मृत्यु हो गई थी। अपनी 2 यात्रा के दौरान अमेजन ने एक मछली पकड़ने वाले बांध को टक्कर मारा, जिससे उसके पतवार में क्रैक आ गया। मरम्मत करते समय जहाज में आग लग गई और बोट टूट गई। लंबे समय के बाद अपने तीसरे अटलांटिक
क्रॉसिंग के दौरान अमेजन दूसरे जहाज से टकरा गया। आखिरकार 1867 में न्यूफाउंडलैंड के तट से टूटे जहाज को बर्बाद कर दिया गया और उद्धारकर्ताओं के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन नियति के साथ जहाज की एक आखिरी तारीख थी। यह अमेरिकी कंपनी द्वारा उठाया गया और इसकी मरम्मत की गई और इसे बहाल कर दिया गया, जिसने इसे दक्षिण में बिक्री के लिए भेजा था। 1872 में कैप्टन बेंजामिन एस ब्रिक्स द्वारा इसे खरीदा गया था, जिन्होंने इसकी पाल उठाई, अपने परिवार के साथ भूमध्य सागर की ओर प्रस्थान किया। अब जहाज का नाम बदलकर मैरी सेलेस्टे रख दिया गया और कुछ समय के बाद न्यूयॉर्क में जिब्राल्टर जाने वाले दे ग्राटिया के चालक को पुर्तगाल के पश्चिम में लगभग 600 मील की दूरी पर मानव रहित तैरता हुआ ये जहाज मिला। इस जहाज के कप्तान बेंजामिन एस ब्रिक्स, उनकी पत्नी और उनकी बेटी और उनके चार चालक दल के सदस्य उस जहाज पर मौजूद नहीं थे, जो कि रहस्यमय रूप से गायब हो गए, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की टॉप 5 हॉन्टेड शिप्स। ऐसी और भी सच्ची और डरावनी कहानी को सुनने और देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अपने हॉरर डोज को और भी सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर अपने हॉरर डोज को और भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।